निशांत किस तरह के इंसान थे, किस तरह के शख्स थे, ये उनकी डायरी से भी जाहिर होता है। इस डायरी में उन्होंने आगे का पूरा प्लान लिख रखा था, हॉलीवुड के सपने से लेकर स्टार्टअप की शुरुआत तक सब कुछ इस डायरी में शामिल था। सुशांत की डायरी ने खोले राज। सुशांत ने देखे थे बड़े बड़े सपने, हॉलीवुड में जाने का था प्लान, फिल्म बनाना चाहते थे सुशांत, अपनी कंपनी खोलना चाहते थे सुशांत, यह है सुशांत की डायरी के वो चंद पन्ने जिसमें सुशांत अपने बारे में क्या सोचते थे, क्या करना चाहते थे, सब कुछ बेहद करीने और साफ सुथरे तरीके से दर्ज है। आज तक को सुशांत की एक डायरी मिली है, उससे जाहिर होता है कि 2018-19 में सुशांत ने 2020 का पूरा प्लान बना लिया था और इस प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा था हॉलीवुड में एंट्री। जी हाँ, सुशांत बॉलीवुड से हॉलीवुड में छलांग लगाना चाहते थे। ...2020 के प्लान को सुशांत ने तीन हिस्सों में बांट रखा था। पहले हिस्से में बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड में काम करना शामिल था, दूसरे हिस्से में कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते थे, वहीं तीसरे हिस्से में उनका स्टार्टअप प्लान था जिसमें इनर्जेंट टेक्नोलॉजी का जिक्र है, जो सुशांत की फर्म थी जिसमें शोविक हिस्सा थे। सुशांत की डायरी में हॉलीवुड का जिक्र बार बार है, ऐसा लगता है कि वो बड़ी शिद्दत से बॉलीवुड से हॉलीवुड में छलांग लगाना चाहते थे। सुशांत की डायरी का ये हिस्सा देखिए जिसमें वो अगले कदम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इनिशिएट स्टेप शीर्षक से उन्होंने तीर का निशाना लगाते हुए लिखा है, सोचना और नाम तय करना, स्टेक कैपिटल, आईपी प्रोटेक्शन और लीगल टीम के बारे में फैसला लेना। दूसरे एक्शन पॉइंट में विदेशी फिल्मों का जिक्र है, श्रेष्ठ विदेशी फिल्मों और लेखकों की पहचान करना। तीसरे नंबर पर बहन प्रियंका के नाम के साथ मेघा और पीडी प्लस श्रद्धा लिखा है। सुशांत की डायरी से यह भी साफ होता है कि वो बेहद व्यवस्थित किस्म के व्यक्ति थे, उन्होंने अपना प्लान कदम दर कदम तैयार कर रखा था। डायरी के इस पन्ने को देखिए जिसमें हर स्टेप की पूरी प्लानिंग समझाई गई है। इसमें पहले कदम के रूप में कंपनी के निर्माण की बात है, दूसरे कदम में लिखा है FTII 1 और PD प्लस श्रद्धा। ऐसा लगता है कि FTII के किसी कलाकार के साथ वो काम करना चाहते थे, जहां पीडी और श्रद्धा का जिक्र है। यहां पीडी का मतलब है फिल्म लेखक पंकज दुबे और श्रद्धा यानी पंकज की पत्नी है। तीसरे स्टेप में बताया गया है स्क्रीनिंग का विचार, आइडिया लागू करना और लोगों से मिलना जुलना। स्टेप चार में कंटेंट जनरेशन को काट कर चिंता लिखा गया है और आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सामने दो क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। पांचवें स्टेप में कंटेंट जनरेशन की बात कही गई है। सुशांत का इरादा काफी बड़ा था, हौसले उससे भी बड़े थे। वो फिल्मों में अभिनय ही नहीं करना चाहते थे बल्कि फिल्म बनाना भी चाहते थे। अपनी डायरी में सुशांत अपनी बहन का जिक्र करते हैं प्रियंका, जिन्हें वो अपनी कंपनी का हिस्सा भी बनाने का प्लान कर रहे थे। अपनी कंपनी के लिए डायरी में सुशांत प्रियंका के नाम का जिक्र करते हैं और वो जिक्र पहले स्टेप के रूप में होता है। उसमें दिखाया गया है कि प्रियंका किसी मेघा मेहता के साथ मिलकर काम करती जो लीगल का काम देखती। इसके अलावा पीडी और श्रद्धा के साथ काम करने का जिक्र है। यहाँ पीडी का मतलब फिल्म लेखक पंकज दुबे और श्रद्धा यानी पंकज की पत्नी है। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के ये पन्ने एक ऐसे जिंदा दस्तावेज हैं जो उन्हीं की लिखावट में बता रहे हैं कि कितना जोश, उत्साह और व्यवस्थित तरीके से वो अपनी जिंदगी की प्लानिंग करते थे। साल 2020 के लिए ये प्लान 2020 था सुशांत सिंह राजपूत का, उस हौसले का प्लान था जो अपने आप को हॉलीवुड तक में देखना चाहता था, उस हौसले का प्लान था जिसके जरिए सुशांत सिंह राजपूत पूरे फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी बादशाहत कायम करना चाहते थे, स्क्रिप्ट राइटर्स की एक पूल बनाना चाहते थे, बेहतरीन फिल्में करना चाहते थे। साल दर साल अपनी प्लानिंग के जरिए कैसे वो अपने करियर को उस मकाम तक ले जाएं ताकि पूरी दुनिया उनकी तरफ देखे, यही प्लानिंग थी। इस डायरी में सुशांत ने अपने बारे में भी बात की है। नीड्स हेडिंग के साथ उन्होंने लिखा है,
अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहता हूँ। किसी को खोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरी सुरक्षा हो, देखभाल हो और लोग मुझे समझें। मुक्कू मेरी जरूरत पूरा करती है। सुशांत ने इसी पन्ने में सार्वजनिक व्यक्तित्व कैसा हो इसका भी जिक्र किया है। इसके तीन गुण बताए गए हैं, स्वार्थ रहित, दूसरों की चिंता करने वाला और त्यागी। इस डायरी को देखने के बाद कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि जिस शख्स ने इतनी प्लानिंग की थी वो आखिर कैसे दुनिया को छोड़कर यूं चला गया। आखिर उसके सपनों को किसकी नजर लग गई। अंजनम कश्यप के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।